और मरवाही उपचुनाव में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। अमित जोगी और ऋचा जोगी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए हैं। इससे पहले जीत के प्रबल दावेदार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र समिति ने निरस्त कर दिया था और साथ ही 5 सदस्यीय टीम ने उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करते हुए कहा था कि पूर्व में उनके पिता अजीत प्रमोद जोगी के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने रद्द किया था और उसी आधार पर पिता की जाति से ही बेटे की जाति निर्धारित होती है। इसलिए इस आधार पर अमित जोगी के कवर जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही उप पुलिस अधीक्षक विजिलेंस अधीक्षक को भी निर्देशित किया गया है कि वह उचित कानून कार्रवाई करें। इससे पहले ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को भी समिति पहले ही निरस्त कर चुकी है। और पेंड्रा में अमित जोगी ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संविधान की अवमानना कर रही है। जिला कलेक्टर को तो सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता का पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली है, वहीं आपत्तिकर्ता को आदेश की कॉपी कैसे मिल गई। सबको मालूम था, मुझको छोड़ जितने भी आपत्तिकर्ता थे उनके पास फैसले की प्रति थी, मेरे पास अभी तक प्रति नहीं आई है। इस चुनाव में आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने निर्वाचन अधिकारी जी से चुनाव निर्देशिका की कंडिका 12 के अंतर्गत निवेदन किया कि अभी अभी ये फैसला मिला है, मुझे पढ़ने का और जवाब देने का समय तो दीजिए। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता विप्लव जुड़ गया है। विप्लव, एक तरफ जोगी परिवार चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो दूसरी तरफ संविधान का हवाला दिया जा रहा है, आगे किस तरह की स्थिति बन सकती है? अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों के नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिए हैं। दोनों को चुनाव लड़ने के अमान्य घोषित कर दिया गया है। इस स्थिति में यदि जनता कांग्रेस अगर चुनाव में बनी रहना चाहती है तो उसे किसी दूसरे कैंडिडेट पे अपना दांव लगाना पड़ेगा, जिससे दो लोगों का उन्होंने अतिरिक्त स्थान बढ़ाया था। और दूसरे, अगर जो कि कांग्रेस को जीवित रहना है मरवाही की राजनीति में, तो उन्हें दूसरे कैंडिडेट पे अपना दांव लगाना होगा। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे बड़ी बात है, पहली बार होगा कि मरवाही विधानसभा चुनाव होगा जिसमें बैलेट पेपर में जोगी परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं होगा। जी विप्लव, अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो कई बार चुनाव हुए और कई बार ये मुद्दा गर्माया था, आप क्या ये जो डिसीजन सुनाया गया है, फैसला सुनाया गया है, क्या इसे फाइनल मान लेना चाहिए? ये पूरी तरीके से फाइनल है। आज चूंकि नामांकन जमा करने का कल आखिरी दिन था, आज निर्वाचन अधिकारियों को स्क्रूटनी करनी थी नामांकन पत्र स्वीकृति के लिए, और स्क्रूटनी में दोनों के नामांकन पत्रों को ही अमान्य घोषित कर दिया गया है। तत्कालीन स्थिति में, मतलब तत्कालीन स्थिति में जब जाति प्रमाण पत्र, तो उसमें अजीत जोगी भी जीवित थे और कई बार कोर्ट से और स्टे लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार जो है कोर्ट से स्टे लेने का भी समय नहीं दिया गया है, क्योंकि कल प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी। 19 तारीख नाम वापसी का आखिरी डेट है, 3 तारीख को चुनाव होना तय है। इस स्थिति में अमित जोगी और ऋचा जोगी, जोगी परिवार मरवाही चुनाव से बाहर हो चुका है, और अब जो है, अब आगे की लड़ाई जो है, अमित जोगी ने मीडिया के जैसे बातचीत में बताया है कि वो आगे की लड़ाई न्यायालय के माध्यम से लड़ेंगे। चलिए विप्लव, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अरे बात